अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। इस वक्त एक अहम फैसला जो है वो किया गया है कराची सतह पर कि जो भी गैर कानूनी बस अड्डे हैं कराची के अतराफ इस मुकाम के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर, उनको हटाने और उनको मुंतकिल करने के हवाले से एक अहम इजलास भी हुआ, दौरे हुए कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब की जानिब से। और ये फैसला किया गया है कि वो बस अड्डे अब मुंतकिल किए जाएंगे सुपर हाईवे पे, वो कौन कौन से इलाकों के अंदर मौजूद हैं, कितनी कैपेसिटी है और कितनी तादाद में ट्रैफिक के जो मसाइल उसकी वजह से सामना करना पड़ता है, इसके ऊपर ओवरऑल आज बात करते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मलिक फैसल ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, इनसे पहले तफसीलात मालूम करते हैं। जी मलिक फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। अली रजा भाई, मैं आपको बताऊं तो शहर के अंदर इंटर सिटी जो बसों का गैर कानूनी बसों अड्डों को खात्मा जो है वो सब किया जाएगा, और शहर से चलने वाली इंटर सिटी बसों को सुपर हाईवे प्राइवेट बसों को टर्मिनल मुंतकिल किया जाएगा, और हुकूमती और जो इस पे जो अमल दरामद के लिए जो अब तरीकेकार बनाया जा रहा है उसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुसाफरों के लिए शटल सर्विस चलाई जानेगी। कमिश्नर कराची का ये दौरा इकदाम भी जायजा लिया गया है। शहर के अंदर गैर कानूनी बस अड्डों को खत्म किए जाने के अंदरून शहर से चलने वाली इंटरसिटी बसों को भी निजी शोभा में कायम सुपर हाईवे पर बस टर्मिनल पर मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, इसी के साथ बताऊं तो इस सिलसिले में कंपनी ने टर्मिनल को तवीसी मनसूबा जो पर काम करने का शुरू कर दिया गया है, जिसकी तफसीलात जो कि जुमे को कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी को इनको टर्मिनल को दौरा पर दी गई है। सुपर हाईवे पर बसे टर्मिनल जो है निजी शोभा में हुकूमत की इजाजत से 2017 में कायम किया गया था। बस टर्मिनल इस वक्त मुख्तलिफ तो बसों की कंपनी इस्तेमाल कर रही है। जी मलिक फैसल, कितने किन किन मकाम पर इस वक्त गैर कानूनी बस अड्डे हैं, क्या जिला इंतजामिया बताती है? और एक बड़ा मामला है यकीनी तौर पे कि एक जगह पर एक दुकान बनाया जो लगाई जाती है, उसको पक्का किया जाता है, एक अरसे में उधर लोग आना शुरू होते हैं, अब एकदम से ये फैसला लिया जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या सूरत हाल होगी, इसमें जो कानूनी अड्डे हैं वो कितने मुतासर होंगे, और इसके ऊपर भी ज़रा बताइएगा कि शहर के किन किन मकाम पर इस तरह के गैर कानूनी अड्डे जो हैं बस अड्डे वो कायम हैं। जी कराची में तो वैसे तो पूरे शहर ही जो है गैर कानूनी बस अड्डों और बगैर गैर कानूनी टर्मिनल्स का जो है वो भरमार है। अगर बात करें कराची का सदर में भी जो इस तरह के गैर कानूनी जो अड्डे और स्टाफ बनाए गए हैं जिसमें बड़ी बसें और जो मिनी जो टर्मिनल जो है जो हाईएस है क्योंकि अंदरून सिंध जो चलती है कराची से अंदरून सिंध और कराची से सदर से पंजाब और पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा आखिरी सुबह तक जो है यहाँ से जो कि बस अड्डे बने हुए हैं सदर में भी हैं कमाड़ी में भी हैं। और अगर इसी के साथ बताऊं तो कराची के मेन मरकजी जहाँ पर बस अड्डा जो गैर कानूनी तौर पर कई सालों से कायम है दायम है जो कि कराची शराबगोट से तकरीबन 100 से जायद जो कंपनियां हैं निजी कंपनियां बस अड्डे वो कायम किए गए हैं, जिसमें अक्सर और बेशतर ये भी देखा जा सकता है कि हुकूमती हमेशा जो किराए पर कमी के लिए जो इकदाम किए जाते हैं जिसमें जो काम भी किया जाता है चलान किए जाते हैं और जुर्माने भी आयद किए जाते हैं, लेकिन ये एक माफिया इतना बड़ा मजबूत माफिया है जो कि बड़ी तादाद में ये बस अड्डे कायम है। बहुत शुक्रिया मलिक फैसल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे नाज़रीन। एक बड़ा फैसला जो है हुकूमती सतह पर लिया गया है, अब देखते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद कैसे मुमकिन बनता है। साथ ही बहुत बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्टर्स हैं जो इसके ऊपर तशवीश का इजहार करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि रब नवाज साहब हैं जो कि सिंध इंटरसिटी बस ओनर एसोसिएशन के जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे भी बात हो ताकि उनका मौकफ भी सामने आ सके कि इस हुकूमत के इस फैसले से क्या चीज़ों के हवाले से मुतासिर होंगी, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, इसके ऊपर हम चाहेंगे कि उनसे भी बात हो और हमारी टीम कोशिश करिए उनसे रब्ता करने के लिए। ताहम ये एक अहम मामला है कि ये मुख्तलिफ मकाम पर ऐसे बस अड्डे जो हैं वो कायम हैं और उसको अब हटाने का फैसला, उनको मुंतकिल करने का हुकूमत की सतह पर जो है कमिश्नर कराची ने जो है और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो महकमे उन्होंने फैसला किया है। रब नवाज़ साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक स्टोरी है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं रब नवाज़ साहब, कि अब मुंतकिल करने का फैसला किया जा रहा है सुपर हाईवे, कैसा देखते हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया A21 टीवी का जी। देखिए जी, ये चीज़ें तो बहुत अरसे से जो है ना चल रही हैं और हम डिपार्टमेंट के साथ भी रबते में हैं चीज़ों के,
बहुत खुशायन बात है, हम भी चाहते हैं कि बाकी पूरे पाकिस्तान की तरह हमारे शहर एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट जो है पैसेंजर टर्मिनल होना चाहिए, जिसके अंदर हम आवाम को फैसिलिटेट कर सकें और अपने बिजनेस को बेहतर कर सकें। हमारी इसके मुतालिक जो है 3 मीटिंग जो हमारी डिपार्टमेंट के साथ हुई है, और इसके अंदर हमने अपने इश्यूज वगैरह डिपार्टमेंट सामने रखे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर हमसे जरूर डिस्कस किया जाएगा और जो है उसके बाद फैसला किया जाएगा। रब नवाज साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि एक मुख्तलिफ मुकामात पर गैर कानूनी तौर पर बस अड्डे कायम हैं, ये इतनी आराम से कैसे कायम हैं? हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी आपका मौकफ चाहेंगे, और इस फैसले के बाद क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक मकाम पक्का होता है, उधर एक बंदा अपना कारोबार जमाता है, उसके बाद एकदम से मुख्तलिफ मकाम पर जो है वो ले जाने के बाद मुख्तलिफ इशूज़ का भी सामना करना पड़ता है, तो तहफ़ुज़ात क्या हैं ट्रांसपोर्टर्स को इस हवाले से लेके? जी बिल्कुल, इसके अंदर मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा तफसीलन आपको। हमारी 2019 के अंदर एक मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर शक्ति साहबान मौजूद थे, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि कराची शहर के बाहर हमें 50 एकड़ लैंड दी जाएगी, और उसके बाद जो उसको प्रॉपर बीओटी बेस पे बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर की बुनियाद पे ट्रांसपोर्टर को दिया जाएगा, ताकि वो जो है वहाँ पे बेहतर तरीके से काम कर सके और पैसेंजर को फैसिलिटेट कर सके, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने शहर के मुतालिक बात की, मेरे ख्याल से ऐसे ज्यादातर अड्डे जो है इनलीगल है, वो रिमूव हो चुके हैं। उसकी इस तरह मैं मिसाल दूंगा कि 2020 के अंदर जब कोविड था और सारी चीजें जब बंद थी, तो उसके अंदर डिपार्टमेंट में जो है एसओपी के तहत कुछ शहर के अंदर जो टर्मस मौजूद थे या नहीं थे, उसके अंदर एक पॉलिसी बनाई थी कि जिनके पास बाउंड्री वॉल टर्मिनल यानी गाड़ी जिसके टर्मिनल के अंदर खड़ी होगी, और उसके अंदर उन्होंने एसओपी के तहत तमाम फैसिलिटी यानी पैसेंजर वेटिंग एरिया, टॉयलेट वगैरह, नमाज की जगह वगैरह देंगे, तो उसको ऑपरेट किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने हमें इसके अंदर सर्वे हुआ, जिसकी सरबराही खुद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, उसमें डीएजी ट्रैफिक के अधिकार मौजूद, डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे, कमिश्नर साहब के लोग मौजूद थे, उन्होंने सर्वे के बाद हमें इजाजत दी, और उसको अब तक हम एसओपी के तहत हम उसको चला रहे हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट के और हमारी अंडरस्टैंडिंग शामिल थी। क्योंकि देखिए, ये पैसेंजर मामला है, ये पैसेंजर तरह से पब्लिक का इशू है, तो हमने पब्लिक की सेफ्टी पहले देखनी है, तो उसके बाद हम उसको अब तक चला रहे थे। और हमारी जो भी सब जो इशू आ रहा है कि हमें जो शहर से बाहर भेजा जा रहा है, वो एक प्राइवेट टर्मिनल के अंदर में भेजा जा रहा है, ठीक है? जो देखिए, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, टर्मिनल का मतलब होता है कि बस को फैसिलिटेट करना और पैसेंजर को फैसिलिटेट करना। बिल्कुल, ये नहीं है कि वहां पर आप जो है ना प्राइवेट सेक्टर को देख के आप रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दें। इस सब जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई है, जो चीजें हैं, तो इस वक्त हम बस की कॉस्ट या अपनी डीजल या टायर की प्राइस कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम अपने ओवर हेड से हम उनको जरूर कम कर सकते हैं। जब हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, वो हमसे 6,000-8,000 पे जब गाड़ी डिमांड करेगा, तो लामाला हमें टिकट की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। जिस टर्मिनल के अंदर हमें सहूलतें प्रॉपर, एक ट्रांसपोर्टर को जो है ना सहूलतें प्रॉपर नहीं है, हम कैसे अपने पैसेंजर को वहां पे फैसिलिटी दे सकते हैं या उसको सेफ्टी दे सकते हैं? तो इस हवाले से रब नवाज साहब, आपने कमिश्नर कराची कंसर्न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात की हो इस हवाले से कि जी ये फैसला तो ले लिया गया है, अब मुंतकिल करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से इस चीज़ को कैसे देखा जाएगा? आया ये मुमकिन भी बन सकेगा, क्योंकि एक बड़ा तबका ट्रांसपोर्टर का इस हवाले से राजी नहीं हो रहा? देखिए, अब उसके अंदर ये कि हमारी 3 मीटिंग हो चुकी है डिपार्टमेंट के साथ, और वो बड़ी खुशलूबी से हमारी तय है, लेकिन अब तक हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। हमने जितने भी अपने एग्रीमेंट्स हमने उनके सामने रखी है, और मैं उम्मीद रखता हूँ जिस तरह 2020 में हमें सुना गया, उसके बाद हमें शहर के अंदर फैसिलिटेट किया गया, तो हमारी जो 2019 की मीटिंग थी उसके अंदर डिसाइडेड था, और गवर्नमेंट के पास इस तक अपनी डिपो चीजें मौजूद हैं जो हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैं अगर आप है तो मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा जवाब दे दूं। मैं 2 चीजें आपके आपके सामने रखता हूँ। देखिए, हमारे पास जो है बलूचिस्तान के लिए इस वक्त टर्मिनल मौजूद है, जहाँ से हमारे बलूचिस्तान के पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं। हमें कराची शहर के अंदर हमारे केटीसी के डिपो जो है बनारस टर्मिनल, जहाँ से हमारे केपीके के ट्रांसपोर्टर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमें भी इसी तरह अपनी लैंड के ऊपर हमें भेजे, ताकि हमें इंश्योर हो कि जी वो गवर्नमेंट की लैंड है, हमें यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। इस तरह हमें प्राइवेट सेक्टर में भेजेंगे तो ये मसले का हल नहीं है। देखिए, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, और इसके अंदर आज से 30 साल पीछे चले जाएं तो हमने ही देखा कि कराची के अंदर केटीसी के
डिपो मौजूद होते थे एसआरटीसी के, जहाँ से बसें ऑपरेट होती थी पूरे सिंध के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हर जिले के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के लोग रह रहे हैं, उनको वहां वहां से ऑपरेट किया जाता था। आज वो जमीनें केटीसी की मौजूद है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास है, और वहां से मैंने एक एग्जाम्पल दी कि दो जो है प्रोविंस वहां से ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं जो हमें गवर्नमेंट अपनी जगह दे, जहां से हम अच्छे तरीके से कराची शहर की खिदमत करें, अपने कारोबार को सेफगार्ड करें। देखें, इस वक्त सिंध वो सूबा है जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे कम किराया लिया जा रहा है। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि हम बाहर जाके प्राइवेट सेक्टर पर जाके इतने ज्यादा एक्सपेंसिव टर्मरों पे हम जो ना अपने आप को अकोमोडेट करें, मतलब और वो हम किराए में इजाफा होगा और मुख्तलिफ तरीके से आप लोग रजामंद नहीं है इस फैसले से। देखिए, अब तक जो हमारी मीटिंग्स हुई है उसके अंदर हमारा फाइनल कोई चीज भी डिसाइड नहीं हुई। फिलहाल मीटिंग चल रही है, हमें डिपार्टमेंट कॉल करता है, हम जाते हैं, बैठते हैं, मुख्तलिफ चीजों पर हम डिस्कस करें, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि फैसला करने से पहले हमें एतमाद में लिया जाएगा, उसके बाद जो भी फैसला होगा हमसे पूछ के हमें एतमाद में रख के फिर फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। रब नवाज साहब थे जनरल सेक्रेटरी बस ओनर एसोसिएशन से, इनका ताल्लुक था और वो अपने मौकिफ का इजहार कर रहे थे। अब देखते हैं कि मुस्तकबिल करीब में सूरत हाल क्या निकलती है, सहूलियात के साथ साथ क्या, क्योंकि सरकार कह रही है कि जी हम दीगर सहूलियात देंगे जिसके अंदर वॉशरूम है, पानी होगा, उनको तरीके से मुनासिब बैठने की जगह होगी और वो आराम से दीगर शहर जो पाकिस्तान के उधर ट्रैवल कर सकेंगे, मगर एक बहुत बड़ा तबका ट्रांसपोर्टर्स का है जो इसकी नफी करते दिखाई देता है। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ पहुँचेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर किरायों में इजाफा देखना पड़ेगा। शहरी को नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।